हरुण भूमि के सभी दर्शकों का लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू से एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। और आज एक समाचार है जिसका हम बहुत बेसब्री से कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे, और वो था तेजू हवाई अड्डा, तेजू एयरपोर्ट का ओपनिंग होना। आज यानी कि 19 अगस्त 2021 को तेजू एयरपोर्ट का फॉर्मल इनोग्रेशन होने ही वाला है। फिलहाल पहले का कहे तो हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन जी आने वाले थे, लेकिन उनका शेड्यूल टाइट होने के चलते वो नहीं आए और वर्चुअली जो है इंटरनेट के माध्यम से हमारे तेजू एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। और साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले जो हमारे तेजू हवाई अड्डे पर पहुँचे हैं वो है नाकाप नालो जी, जो कि मिनिस्टर है सिविल एविएशन एंड टूरिज्म के, तापिर गांव जी जो कि एमपी है सेकंड पार्लियामेंट्री ईस्ट, दसंगलो पुल जी मैडम वो हमारे अंजाव 45 एसटी हाईलैंड कंस्टिट्यूएंसी की एमएलए हैं, और उसके बाद जो अभी आए हैं इस उद्घाटन समारोह में डॉक्टर महेश चाय जी जो कि हमारे फॉर्मर मिनिस्टर थे, रवि कांत जी रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद टीके लेगू जो कि यूपीआई के डिप्टी कमिश्नर है, स्वप्निल नायक आईएएस हैं सेक्रेटरी ऑफ सिविल एविएशन। तो आइए इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। इट वाज रियली वेरी प्लेजेंट एंड एक्साइटिंग ट्रिप ऑफ दिस कनेक्टिविटी विल वेरी having very far-reaching implication in terms of tourism development. I'm from Guwahati. So how was the service? It was fantastic. When it comes to tourism, this starting of flight will, how much it will promote tourism in Arunachal Pradesh? So I guess this will give a very boost, important boost okay. to the tourism sector. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, by Madam Dasanglo Pul, Honorable MLA 45 Khali Sahu, SK Assembly Council. Honorable MP, Madam Dasanglo Pul, Honorable MLA. श्री रवि खान सर सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री नाना, तो सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश थैंक यू सो मच टू बी प्लाय। आपने हमारे यहाँ यह कनेक्टिविटी दे के अरुणाचल का इतना दिल्ली से दूर हुआ करता था, अभी आपने अरुणाचल को नेशनल नहीं बोल के इंटरनेशनल लेवल में यह कनेक्टिविटी दिया है कि आज से हमारे यहाँ का दुनिया से कनेक्टिविटी कनेक्शन जो है सब सामने हो गया। एक ऐसे समस्या है पहले से था अभी भी है, लेकिन यह सब प्रकृति का सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, लेकिन दूर से आने का अरुणाचल का जानने का एक तो सबसे प्रॉब्लम होता था कि कनेक्टिविटी का रोड का एक प्रॉब्लम था, और यह कनेक्टिविटी ना होने के कारण से गुवाहाटी कनेक्ट हो गया, उसके मतलब हम दुनिया से कनेक्ट हो गया यह कनेक्टिविटी। और हमारा जो है उसका अलावा मेरा मेन एयरपोर्ट जो है अभी पूर्व पे है, और ये भी टाइम पे निकल जाएगा 2022 अगस्त को हमें खत्म हो चुका है, अभी तक 60% काम हो चुका है। और रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर का 15 अगस्त का स्पीच में सुना होगा या सोशल मीडिया में देखा होगा, चीफ मिनिस्टर यहाँ से जाके हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में गया है, तो मिनिस्ट्री में जब सिविल एविएशन मिनिस्टर को मिला है तो अभी हमको 3 और नया अप्रोवल दिया है कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, एक जो है अनिनी, एक धीरन और एक दापेश्वर, ये भी पूरा अप्रोवल नहीं किया सर ने, पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर का 5 साल का शॉर्ट टाइम में इतना हो पाया और आगे आने वाला है बहुत ज्यादा सुविधा होगा। तेजू के डिप्टी कमिश्नर और सभी हमारे वहाँ के समाज के भाइयों और बहनों, वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स और
हमारे डॉक्टर महेश चाय चेयरमैन मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आज अरुणाचल के लिए एक हिस्टोरिक दिन है। आज हम लोग ने सेकेंड फ्लाइट तेजू से कनेक्टिविटी के तौर पे हम लोग ने स्टार्ट किया है। ये हम सब के लिए बहुत ही एक गर्व का बात है। सबसे पहले तो मैं अपने सरकार की ओर से और हमारे जनता अरुणाचल पूरी जनता की ओर से और खास करके हमारा ईस्टर्न अरुणाचल की ओर से मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेगा। उनका लीडरशिप में कनेक्टिविटी में बहुत हम लोगों को बढ़ावा मिला है। रोड कनेक्टिविटी से लेके एयर कनेक्टिविटी, रेलवे स्किल, डिजिटल कनेक्टिविटी, तो हम लोगों का जो मेन हर्डल था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का और खास करके अरुणाचल प्रदेश कम्युनिकेशन सेक्टर में ऑनरेबल पीएम साहब ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। अभी देखिए हमारा जो फ्लाईबिक है, मैं सबसे पहले फ्लाईबिक के डायरेक्टर श्री संजय जी और उनका पूरा टीम में बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आया, आप लोग विद पैशन पूरा दिल से इंटरेस्ट लेके आप लोग नॉर्थ ईस्ट में आके आप लोग ने वेंचर किया और हमारा स्टेट में दिस इज सेकेंड एयरपोर्ट दैट यू आर गोइंग टू ऑपरेट विच हैज बीन ऑपरेशनल फ्रॉम टुडे इटसेल्फ और इंक्लूडिंग तेजू एंड पासीघाट। अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट में फ्लाईबिक के पास में 7 एयरपोर्ट के साथ में कनेक्टिविटी दिया हुआ है उड़ान स्कीम के अंदर में, और भी संभावना है बहुत सारा स्टेट में और अरुणाचल प्रदेश में। अभी थोड़ी देर पहले मैं संजय साहब के साथ में बात कर रहा था और मैंने कहा कि इसके अलावा और भी हमारे पास एयरपोर्ट बन के तैयार है। विजयनगर हो गया, मेचुका हो गया, तेजू हो गया, इसके बाद हमारा किवितो हो गया एंड हमारा जीरो और आलो भी है। ये सारा चीज एक बार दोबारा फिर वो अपना एक बार सर्वे करके ऑन ग्राउंड कितना फिजिबिलिटी है जो ATR 72 ATR 72 के लिए कितना फिजिबल है एक बार चेक करने के बाद में इसके बाद फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी टेकअप करना है सरकार आपका साथ में हमेशा साथ देंगे। एक बार हम लोग का कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ईयर हम लोग का मेन एयरपोर्ट जो होलोंगी में बन जाने के बाद में इट विल बी ए गेम चेंजर फॉर एंटर अरुणाचल प्रदेश। ऑलरेडी एक्सिस्टिंग हमारे पास 6-7 एयरपोर्ट ऑलरेडी मौजूद है विद इन अरुणाचल। अभी आने वाला दिनों में मैं रिसेंटली द न्यू मिनिस्टर राजेश सिंधिया जी से मैं मुलाकात हुआ था जिसमें हमारा स्टेट का सिविल एविएशन मिनिस्टर नगब नालो जी भी साथ में गए थे हमारे साथ। तो आई हैव प्रपोज्ड 3 मोर एयरपोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। वन इज एट दिरांग और दूसरा जो हमारा आनिनी डिस्ट्रिक्ट और तीसरा जो हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। तो इट वॉज अ फ्रूटफुल डिस्कशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। गो अहेड हम लोग को मिल गया है एंड ऑन हम लोग का लैंड जो प्रोसेस है उसका हम लोग अभी एक्विजिशन चल रहा है। लैंड विल प्रोवाइडेड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन। तो देखिए आज नॉट ओनली फॉर अरुणाचल प्रदेश पूरा देश की बहुत ही एक ये गर्व का बात है बिकॉज द पोजिशनिंग जियोग्राफिकल पोजिशनिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेंसिटिव एंड वी आर बॉर्डरिंग विद 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज इन द नॉर्थ विद टिबेट चाइना and in the extreme west with Bhutan and in the east with Myanmar. So 3 international boundaries hum log share karte hain aur hamare yahan pe abhi bahut sara Indian army ka deployment yahan pe hai. From that CAPF Central Armed Paramilitary Forces unka bhi existence yahan pe acha number mein hai. So this flybig jo Udaan team mein jo aaya hai flybig company jo jahaz shuru kiya hai it will not only give connection to the civilians of Arunachal Pradesh but it will also have veer jawans raj bhi matlab itna jo high himalayas mein baith ke barfila jo paharon mein baith ke hum log desh ka jo suraksha kar rahe hain unko bhi apna ghar se samne aur flybig ke dwara se un log ka bhi ghar kafi nazdeek ho jayega and I am very happy to announce and I am very thankful to Mr. Sanjay Marty and his company Flybig Corporation Limited and I am very fortunate to announce ki abhi 75 years of India's independence abhi hum log we are celebrating the occasion azadi ka amrut mahotsav ka aaj pura desh bhar mein hum log celebrate kar raha hai. So to add on this celebration there is an announcement from Flybig company कि हमारा अरुणाचल प्रदेश से जो 2 एयरपोर्ट है तेजू एंड वहां से हमारा इंडियन आर्मी और सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का जवान उन लोगों को टिल 31 दिसंबर 2021 उनका टिकट फेयर होगा ओनली ₹75। दिस इज
वेरी गुड गेस्चर दैट फ्लाइविक कंपनी हैज डन टुवर्ड्स आवर वीर जवान्स अपने इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड टेरम ये पुलिस फोर्सेस के लिए. तो मैं तहे दिल से इस जो डिसीजन है आपका 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने का और दिस इज वेरी गुड गेस्चर. तो संजय साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद. अभी हमारा कैबिनेट चल रहा है तो शेड्यूल काफी टाइट है मेरा. तो एनीवे मेरा बिहार में हमारा नकब नानो जी वहां पहुंचे, हमारा तबीर गांव साहब वहां पहुंचे, हमारा ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर रवि कांत जी वहां पहुंचे. तो मैं राज्य सरकार की ओर से हमारा ईदू मिश्मी भाई बहन को भी ये जो फाइव वीक का जो सर्विस है अच्छे से आप लोगों को इससे आप लोगों को बहुत मदद होगा. एजुकेशन पर्पज में भी मदद होगा, हेल्थ सेक्टर में भी आपको मदद होगा, बिजनेस को आगे बढ़ा के जाने में भी इसका भरपूर फायदा होगा. तो विद दिस एंड आई ऑल्सो एश्योर दी फाइव वीक कंपनी कि सरकार के ओर से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है और भी फर्दर आप लोगों को जो भी फैसिलिटी वहां पे अगर डेवलप करना है उसका भी सहयोग हम लोग पूरा करेंगे. सो विद दिस आई वंस अगेन थैंक फ्लाइविक कंपनी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल ऑफ अरुणाचल एंड इन पर्टिकुलर द ईस्टर्न पीपल ऑफ अरुणाचल. थैंक यू. जय हिंद. तो अभी कुछ देर पहले जो ये प्रोग्राम था उद्घाटन समारोह का, ये अभी अभी समाप्ति हो गई है और सारे जो जो डिस्टिंग्विश्ड जो पर्सनैलिटीज़ है वो अभी यहाँ से जा चुकी है. आज कहना ये पड़ेगा कि 19 अगस्त 2021 को हमारे जो लोहित और अंजाव का एक बहुत साल पुराना सपना था एक अपना एयरपोर्ट होने का, वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है. और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने कहा है कि वो रेगुलर हफ्ते में 4 बार यहाँ से फ्लाइट तेजू टू गुवाहाटी का वो लोग ऑपरेट करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.